ऐसे बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में अपने फ्रेंड्स को देख के, अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स का कहना मान के कि बेटा कॉमर्स कर लो, बेटा साइंस कर लो, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है, जबरदस्ती ले लिया, किसी तरह घिस घिसा के जो है ग्रेजुएशन कर ली, कॉमर्स पढ़ ली, बी कॉम ऑनर्स ले लिया, इंजीनियरिंग कर ली, बाद में क्या हुआ, बाद में फिर वही कि नहीं मजा नहीं आ रहा, क्या कर लिया मैंने, मैं कहाँ आ गया। तो प्लीज सर्च योर पर्पस, अपने पर्पस को तलाश कीजिए, जिस दिन वो पर्पस मिल जाएगा ना आपको, आपका दिल बोलेगा। अच्छा एक चीज मैं आपसे बताऊं, इन बाहरी आवाजों को ना सुनना छोड़ दो, बाहरी आवाजें जिनकी बात कर रहा हूं ना मैं, अपने दोस्तों की बातें, अपने पेरेंट्स की बातें, बाहरी आवाजें हैं ये सारी, सिर्फ अपने अंदर की बात सुनो। रोज अपने अंदर बैठ के घर में सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने आप से पूछो कि यार मुझे क्या पसंद है, जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगा, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मैं वो मेरे दोस्तों को पसंद है, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं CA बन जाऊं, मैं MBA कर लूं, लेकिन मुझे तो म्यूजिक पसंद है, मुझे तो लिटरेचर पसंद है, मुझे तो ऑथर बनना है, मुझे तो राइटर बनना है, तो जो आपको पसंद है प्लीज वो चूज करो। ओके नेक्स्ट स्लाइड। ओके आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत बड़ा मिसिंग एलिमेंट है, विजन की कमी है। ओके जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे विजन लेस हैं, विजन नहीं है। ओके कोई स्टूडेंट मुझे विजन के बारे में थोड़ा बताएगा, व्हाट इज विजन, उनके दिमाग में विजन की क्या डेफिनेशन है, किसे क्या विजन। यस बोलो बेटा। सर हमारी थिंकिंग पावर कितनी है, हम कितना सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। ओके और कोई और विजन को एक्सप्लेन कर सकता है। यस सर पर्सपेक्टिव इन लाइफ, पर्सपेक्टिव इन लाइफ, ओके ये नजरिया हो गया। ओके विजन जो है एक चीज है। ओके विजन का मैं आप सिंपल आपको एक्सप्लेन करूं, विजन एक ऐसी नजर है जो आज में रह के कल के बारे में सोचना, दिस इज द विजन।